हाय गाइस, वेलकम टू ऑब्स गैराज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कार के सेंट्रल लॉक में जो रिवर्स करने पे जो नॉइस आता है, जो साउंड आता है, उसको आप परमानेंटली कैसे बंद कर सकते हो। एक तो होता है कि आप रिमोट से बंद कर दो। मेरे केस में वो रिमोट से बंद नहीं हो रहा था, तो और मैं चाहता था कि उसको मैं परमानेंटली बंद करूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये पार्किंग सेंसर लगा के रखा है। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि नॉइस पीछे रिवर्स करने पे सिर्फ पार्किंग सेंसर की आवाज़ है, सेंट्रल लॉक में जो नॉइस आता है वो आवाज़ ना आए। के लिए मैं काफ़ी कुछ ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जिस एक्सेसरी शॉप से मैंने वो पार्किंग सेंसर इंस्टॉल किया, मैं उनके पास जाके इसको डिस्कनेक्ट करवाता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा था। उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए काफ़ी तरीका है। एक तो आप कंसोल यहाँ पे जो नीचे रहते हैं, उस कंसोल से आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें, तो उसकी वायरिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा रहता है कि आप टेल लाइट के पीछे टेल लाइट में वायरिंग रहते हैं, वहाँ से वो लोग कनेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी मुझे कोई वायरिंग का कुछ मिला नहीं। देन उसके बाद मैं एक्सेसरी शॉप में लेकर गया, उन्होंने कैसे उसको डिस्कनेक्ट किया मैं आपको दिखा दूंगा। उसी तरीके से आप अपने वायरिंग को भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और इसको ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको ये खोल लेना है, ये जैसे कि आपको पता है ये आपको खोल लेना है यहाँ से। आई शो यू, ये आपको खोल लेना है। उसके बाद ये जो पैनल है ये वाला आपको खोल लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा पिन रहता है, ये जो छोटा सा पिन है इसको बीच में प्रेस करके इसको आपको ऐसे निकाल लेना है। ये आपको निकाल लेना है ऐसे। जैसे ये निकल जाएगा तो ये जो वायर है ये वायर पीछे तक जाता है रिवर्स टेल लाइट के कनेक्शन के लिए। ऑलराइट, तो कई बार लोकल जो भी एक्सेसरी शॉप वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी आपका रिवर्स वायर जो कनेक्शन रहता है रिवर्स नॉइस के लिए, वो यहाँ पे रिवर्स वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो आप एक बार ये टेप खोलकर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे रिवर्स वायर के साथ वो कनेक्शन है कि नहीं। मेरे गाड़ी के केस में रिवर्स वायर के साथ ये कनेक्टेड था, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं उसी एक्सेसरी शॉप के पास गया, शॉप में गया, तो उन्होंने एक मिनट में ये सॉल्व कर दिया कि यहाँ से वो कनेक्शन निकाल के उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। हाय गाइस, तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से आपको रिवर्स वायर के कनेक्शन को निकाल लेना है। पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका कनेक्शन कहाँ से है, पीछे के टेल लाइट से है या सामने के कंसोल से। और अगर तब भी आपको नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ आप नीचे का जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वो जो वायर है वो पीछे के रिवर्स लाइट से कनेक्टेड है कि नहीं डोर पैनल के साथ वहाँ पे। तो इससे आपका काम हो जाएगा आई गेस। मेरे केस में ये जो भी मैंने किया था, बोला आपको, दिखाया, मेरे केस में वो वर्क कर गया। तो मैंने अभी रिवर्स जो कनेक्शन रहता है, जो नॉइस रहता है, उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू।